एमआर के भाई की तरफ से एमआर की न्यूज में आपका ओपी वाला वेलकम। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे गेम के अंदर कैरेक्टर की जो स्किल्स है ये चेंज होने वाली है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। और इसी के साथ साथ में इस वीडियो के लिए गिव अवे हो रहा है, तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो हमारे गेम के अंदर अपडेट आने वाला है OP31 का, वो 30 नवंबर को आने वाला है। तो 30 नवंबर के बाद आपको क्या क्या चेंजेस देखने मिलेंगे कैरेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीवा कैरेक्टर के बारे में, ये कैरेक्टर की स्किल होने वाली है चेंज अपडेट के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा भाई साहब वो ओल्ड वाली जो फिलहाल अभी हमारा जो कैरेक्टर की स्किल है ये है। अपडेट के बाद आपको चेंजेस देखने मिलेगा एजिलिटी वाले स्किल के अंदर। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है बुलेट बीट्स करके डीपी जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर की भी स्किल चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो बुलेट बीट्स का जो अभी स्किल है ये ओल्ड वाली है, अपडेट के बाद ये न्यू वाली हो जाएगी। इसके अंदर एक्यूरेसी का जो सिस्टम है वो 35 से बढ़ाकर 45 कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे के कैरेक्टर की भी स्किल चेंज होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ओल्ड स्किल फिलहाल अभी हमारे गेम के अंदर जो चल रही है, अपडेट के बाद यहाँ पे स्किल चेंज होने वाली है। यहाँ पे आपको बता दूं 2 सेकंड में पहले आपको 2 EP मिलती थी, अपडेट के बाद आपको 1 सेकंड में 2 EP मिलेगी। और पहले सिर्फ आपको 150 EP देता था, लेकिन अपडेट के बाद पूरा का पूरा 250 EP आपको दिया जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा अपडेट है। और इसी के साथ साथ में जो हमारा मैक्सिम कैरेक्टर है यहाँ पे इसकी स्किल चेंज होने वाली, ये तो भाई साहब बहुत सैड न्यूज रहेगी सब प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स मेडकिट के लिए ये कैरेक्टर इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे आपको बता दू यहाँ पे जो अभी ओल्ड देख रहे हो ये अभी फिलहाल हमारी स्किल चल रही है, अपडेट के बाद न्यू वाली स्किल हो जाएगी। मतलब 40% अभी चल रहा था हमारा मेडकिट, जैसे मारता था 40% फास्ट मारता था मेडकिट, लेकिन अपडेट के बाद 30% फास्ट हो गया, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा, 10% माइनस कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आने वाले क्योंकि ओवरऑल ये सब प्लेयर्स के साथ होगा 30% का। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा क्रोनो कैरेक्टर है CR7 कैरेक्टर की स्किल चेंज कर दी गई है। अभी यहाँ पे बोलोगे यार इसकी स्किल के पीछे पड़ गया फ्री फायर, मुझे भी यही लगता है यार इसको पता नहीं कहाँ पे जाके रोकेगा कहाँ पे जाके खत्म करेगा। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज है क्रोनो कैरेक्टर के लवर्स के लिए, यहाँ पे देख सकते हो ये रही ओल्ड स्किल, मतलब जो अभी स्किल चल रही है इसकी ये स्किल है। अपडेट के बाद यहाँ पे क्रोनो का जो कूल डाउन टाइम है वो 220 सेकंड से घटाकर 120 सेकंड कर दिया गया है, और जो उसकी शील्ड का टाइम था वो 5 सेकंड से बढ़ाकर 6 सेकंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बैड न्यूज ये है जो उसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती थी 10% वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया, मतलब 1% भी स्पीड नहीं बढ़ेगी, जैसा नॉर्मल भागता है वैसे ही भागेगा। तो ये CR7 की स्किल के लिए तो बहुत गलत किया फ्री फायर ने यहाँ पे, यार ये चीज नहीं चेंज करना चाहिए था। जैसे यहाँ पे टाइम कम किया तो 10% दे सकता था, 10% मूवमेंट स्पीड में ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं। तो यहाँ पे और भी OP31 के अपडेट्स आए हुए हैं, तो भाई साहब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कवर अप करके बता दूंगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो, जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना। और हाँ, यहाँ पे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे मैंने लिंक दिया है गिव अवे की, वो लिंक पे क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर लो। लेकिन आपको 3 रूल फॉलो करना है, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट पे अपना UID छोड़ना है। ये रूल फॉलो नहीं करेगा कोई भी तो भाई साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर आपको गिव अवे में से निकाल देगा, आपको पार्टिसिपेट नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे रूल फॉलो कर लेना, जिसने सब्सक्राइब किया है तो कोई बात नहीं, जिसने नहीं किया है वो कर ले। Please, sir, I want to reach 1 million.